दोस्तों अभी सब्सक्राइब कीजिए ट्रेडिशनल गुरुजी यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए। हाय गाइस, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे एक और लेटेस्ट वीडियो में। और गाइस, मोनेटाइजेशन का जो यूट्यूब का लेटेस्ट अपडेट आया था, फाइनल अपडेट जो आया था, वो सभी कुछ आप सभी को पता तो चल ही गया होगा। अगर नहीं पता चला है तो मैंने इसके रिलेटेड एक वीडियो बनाया था, आप जाकर के उसे देख लीजिए। और उस वीडियो को देखने के बाद में बहुत से लोगों का बहुत सा सवाल मुझे आया है, तो मैंने सोचा है कि एक जो सबसे इंपॉर्टेंट सवाल है वो जो कि यूट्यूब ने बताया था कि आप कभी भी किसी के कंटेंट को कॉपी करके अगर यूट्यूब पर डालते हैं तो आपका यूट्यूब चैनल जो है वो मोनेटाइजेशन नहीं होगा, या अगर आप कंप्यूटराइज्ड वॉइस को अगर यूज करते हैं अपने वीडियो में तो भी आपका यूट्यूब चैनल जो है वो मोनेटाइजेबल नहीं होगा। तो गाइस, यहां पे बहुत से लोगों का ये सवाल आ रहा है कि मैं क्या कर रहा हूं, मैं पहले जो वीडियोस बनाता था वो सभी इस तरह के कॉपी कंटेंट थे या फिर कंप्यूटराइज्ड वॉइस वगैरह उसमें यूज किया जाता था, बट अभी फिलहाल जो मैं यूज कर रहा हूं वो मेरा खुद का कंटेंट है, तो क्या यहां पे 4000 घंटे का वॉच टाइम और 1000 सब्सक्राइबर कंप्लीट करने पे उनका यूट्यूब चैनल मोनेटाइजेशन इनेबल होगा या नहीं होगा? आज की इस वीडियो में गाइस हम इसी बारे में बात करने वाले हैं। वीडियो का टॉपिक अगर आपको पसंद आता है तो वीडियो को जरूर से जरूर लाइक कर दीजिए, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसी तरह की लेटेस्ट और इंफॉर्मेटिव वीडियो को सबसे पहले देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलें। सो गाइस, चलते हैं हम टॉपिक की तरफ। यहां पे गाइस, आप एक चीज को समझ लीजिए कि अगर आप यूट्यूब पे कंटेंट किसी का कॉपी करते हो, किसी के सॉन्ग्स वगैरह को यूज करते हो, फेयर एंड यूज पॉलिसी को अगर फॉलो करते हो तब तो ठीक है, अगर इसका फॉलो अप नहीं करते हो सकता है आपको प्रॉब्लम जो है वो हो। लेकिन अगर आप ये सोच रहे हो कि आप यूट्यूब पे पहले जो है कॉपी कंटेंट बनाते थे, पहले आपको इन रूल्स का उतना मतलब पता नहीं था, बट जब से आपको यूट्यूब का लेटेस्ट रूल जो है वो पता चला है उसके बाद में आप चाहते हो कि आप अपने कंटेंट को चेंज कर दोगे, तो गाइस ऐसा बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। क्योंकि जब आपका यूट्यूब चैनल 4000 घंटे का वॉच टाइम और 1000 सब्सक्राइबर को कंप्लीट कर लेता है तब आपका YouTube चैनल जो है वो रिव्यू किया जाता है YouTube के एम्प्लॉयज़ के द्वारा, और रिव्यू में वो हर एक चीज़ें देखते हैं कि किस तरह से आपने व्यूज़ लाए, किस तरह से आप सब्सक्राइबर्स लाए हो, कैसा आपका वॉच टाइम है, कौन कौन से वीडियो पे आपको वॉच टाइम मिला हुआ है, ये सभी कुछ वो चेक करते हैं। और अगर वो ये सभी कुछ चेक करेंगे तो ऑब्वियस ही बात है जो भी आपका पुराना कंटेंट था, जो भी आप पहले करते थे, उनको वो देख करके आपके रिव्यू को फेल भी कर सकते हैं, मतलब आपका रिव्यू जो है वो कंप्लीट नहीं हो पाएगा। तो आपको बेटर होगा यही करना चाहिए कि अगर आप पहले इस तरह के कुछ कंटेंट बनाते थे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर अभी तक आप सेफ साइट पे हो तो आपके जो भी पुराने कंटेंट है आप उसको या तो डिलीट कर दीजिए या तो प्राइवेट कर दीजिए, क्योंकि अगर वो कंटेंट रहेगा तो कहीं ना कहीं उसकी भी हिस्सेदारी होगी आपको 4000 घंटे और 1000 सब्सक्राइबर तक पहुंचाने में, तो इसमें प्रॉब्लम जो है वो हो सकती है। लेकिन अगर अभी तक आपका चैनल सेफ है तो आप वो पुराने कंटेंट जो भी है उनको डिलीट कर दीजिए और वापस से अपना जो सही कंटेंट होता है, ओरिजिनल कंटेंट होता है, उस पर फोकस कीजिए। मेरा भरोसा है कि आप अच्छे से आगे बढ़ेंगे और अच्छे से यूट्यूब पे जो भी मतलब रूल्स एंड रेगुलेशन है उसको फॉलो करते हुए आगे जाते हुए अपने YouTube चैनल को मोनेटाइज करवा पाएंगे और बहुत ही अच्छे से ग्रो करेंगे। सो गाइस, मुझे उम्मीद है ये जो अपडेट था आपको जरूर पसंद आया होगा। पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना बिल्कुल भी नहीं भूलें। इसी तरह के लेटेस्ट और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए चैनल को भी जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। सो गाइस, हम मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए रखिए अपना ख्याल। सो बाय बाय एंड टेक केयर ऑल ऑफ यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।